जय श्री राम भाइयों, आज हम आए हैं अयोध्या में, विकास की नगरी श्री अयोध्या जी, जो अपने आप में बहुत कुछ नया कर रही है। आप देख पा रहे होंगे ये चमकाती हुई तितलियों की माफिक, लटकी हुई कुछ मोमबत्तियों की माफिक ये लाइटें रात में जब जलती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो हम देव की नगरी में हैं। ऐसा देखिए, ये भंडारे हो रहे हैं। जब से जो है 22 जनवरी का कार्यक्रम हुआ है उसके बाद से ऐसे भंडारे यहाँ पे प्रतिदिन होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। ये है अपना रेलवे स्टेशन, आप देखिए यहाँ पे कितना स्वर्ग जैसा लग रहा है। यदि आप रात में आएंगे तो आपको कुछ और ही देखने को मिलेगा। दिखाओ ये भी, दिखाओ ये भी। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये अपना अयोध्या का रेलवे स्टेशन है, कितना शानदार नज़ारा है यहाँ का। यहाँ सिक्योरिटी आप देख ही सकते हैं, इतनी भारी सिक्योरिटी है भाई। ये देखिए जगह जगह भंडारा लगा हुआ है। अभी हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ। ये मंदिर जाने का रास्ता, तो कहाँ श्री राम रसोईया है। भाई देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है। ये अंदर वाले जा गए भी हैं वो। कोई ना आना, इधर ना, इधर घुड़ी मंदिर पर आना। भाईया, तुम्हें देखा नहीं, देखो मंदिर का तो ढूंढ पा रहे हो। हमने मंदिर के दूसरे नारियाँ थी, जगह में बैठते बच्चे। भाई फाइनली हमें रामलला के दर्शन हो गए और काफ़ी अच्छे से दर्शन हुआ, और मुझे लगभग 1.5 से 2 घंटे लग गए दर्शन करने में। तो आइए अब आपको दिखाते हैं मार्केट और चलते हैं मनगानगढ़ी की तरफ। ये है भाई दशरथ महल। चलिए ऐसे ही आपको दिखा देते हैं क्योंकि टाइम है नहीं, भी हनुमानगढ़ी दर्शन करने जाना है तो यहीं से दिखा देते हैं आपको बाहर से ही। और अभी बंद भी है मंदिर, तो आने का यहाँ कोई फायदा नहीं है। ये नहीं भैया, अभी बंद, फिलहाल अभी बंद है। तो हम यहाँ से चलते हैं हनुमानगढ़ी की तरफ। Thank you.
ये देखिए हनुमान गढ़ी पे इतनी भीड़ है, ये देखिए और ये यहाँ जो मेन गेट है वहाँ से लाइन लगी है, वहाँ से बैरिकेटिंग की गई है, बीच में से कहीं जा ही नहीं सकते। हमने हनुमान गढ़ी के भी दर्शन कर लिए और इतनी भीड़ थी वहाँ पे कि हम खुद संभले या फ़ोन संभाले समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे फ़ोन बंद करना पड़ा और भीड़ थी लेकिन दर्शन अच्छे से हो गया। चलिए आपको मार्केट दिखा देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम भी निकलते हैं घर, नहीं तो लेट हो जाएगा। ये देखिए सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है, क्योंकि मेरा फोन डिस्चार्ज होने वाला है तो मैं आगे दिखा नहीं पाऊंगा। एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ, ये देखिए भाई वीडियो अच्छा लगे या ना लगे लेकिन कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। जय श्री राम।